हेलो, सलाम अलैकुम सुचार जी। ना तुसी मैनू ए दसो, मैंने यहाँ कोई जिन पाले हुए हैं जी, या मुझे कोई अलहाम होते हैं कि बाकी पहले और खबर मुझे बाद में पता चले। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, खुदा हाफिज। अम्मी जान, किसका फोन था? तेरे प्यो का फोन था। देखो जरा, आमना हमें कुछ बताती तो हम जाते ना रोहान की तबीयत पूछने। अब उसका ससुराली बातें करते हैं तो हम क्या करें। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला था भाभी। मुझे तो लगता है कि उस बेचारी की ना मत ही मारी गई है। हाय हाय, मत तो हमारी मारी गई है। सारा दिन घर के काम करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, कसमें ऊपर से तेरे भाई की सौ सौ बातें भी सुनो। रहने दें भाभी, भाई कौन सा किसी को कुछ कहते हैं वैसे। बड़ा मीसना है तेरा भाई, मेरा मुंह ना खुलवा बच्चों के सामने। अच्छा छोड़े ना भाभी, रहने भी दें। ये बताएं कि आज चलें रोहान की तबीयत मालूम करने असर के टाइम। मैं भी चलूंगा। और मैं भी। अच्छा जी, तो कल स्कूल जाके टेस्ट मैं दे दूं आपकी जगह, है जी? अम्मी अगर आप देंगे ना, आपको तो अंडा ही मिलेगा। नूर, बुरी बात, चुप करके काम करो अपना, पढ़ो। ठीक है, चले जाएंगे असर वेले। हाय कसमे बाजी, हम तो उसी वक्त ही आ जाते रोहान को जब चोट लगी है, जब हमें पता होता तो। अब भी पता चला तो अब भी आ गए। नाशनाज, तुझे हमारे आने का भी नहीं पता चला था, हमारा ही हाल पूछने आ जाती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम आमना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हाँ, ये फल रखते हैं अंदर तू संभाल के। अच्छा बस चाय तैयार है, मैं लेके आई। ना ना, चावा तू रहन दे। ये बता, रोहान की तबीयत कैसी है अब? रोहान ठीक है भाभी, शुक्र है खुदा का। हल्की सी चोट थी, खेल कूद में चोटें तो लगती रहती है ना। ओ सियाने कहते हैं ना, बच्चे डिग डिग के ही बड़े होते हैं। सही कहते हैं सियाने। खाला परवीन किधर है, नजर नहीं आ रही है। रिफत, तेरे बच्चे किधर है, साथ नहीं लेके आई तू? वो अम्मी के साथ गए हैं ग्राउंड, आने वाले होंगे। मैं चाय लेके आती हूँ भाभी। तकल्लुफ ही कर रही है तू। फातिमा तू कितनी सोनी हिंदी जानी है, कौन सी क्रीमें लगाती है? बाजी मुझे क्या जरूरत है क्रीमें लगाने की, अल्लाह ने हुसन ही पढ़ा दिया है। नासिर भाई क्या उसने किधर जाना है, क्या है दोस्तों यारों में, अजीब मुंडा है। ऐसे मत बोले इफ़त आंटी, नासिर भाई तो बहुत अच्छे हैं। हाँ एक मजे की बात बताऊँ, जब उस दिन हम बाजार गए थे ना। मोन भाभी चले ना, हम चलते हैं, नूर को भी हम अब्बा जी के पास बुला के आए, चाय तो हम फिर कभी भी पी लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, सही कह रही है, हमें चलना चाहिए। ना चाचू पी के जाए। आमना बन गई चा। अच्छा शिनाज, वो मैंने सुना था कि उनके अब्बा जी ने मकान लड़कियों के नाम लगा दिया। मैं उस दिन आमना से भी पूछ रही थी, उसने तो कुछ बताया नहीं। हाँ जी, क्या कह सकते हैं, अब्बा जी ने कुछ तो सोचा होगा ऐसा करते हुए। हाँ बड्डों के काम में हम क्या बोल सकते। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।